ताजा हिंदुस्तानी आमिर खान का नाम है पिक्चर में, और राजा क्योंकि उसका दिल इतना बड़ा है, उसके जेब में शायद कौड़ी नहीं है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, तो राजा। और उसका कोई नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ यही वजूद है कि वो हिंदुस्तानी है। इसमें मेरा रोल है हिंदुस्तान के एक छोटे शहर या छोटे टाउन का रहने वाला हूँ मैं, हिल स्टेशन टाइप की जगह है, पालनखेत जगह का नाम है, और वहाँ पर मैं टैक्सी चलाता हूँ, थोड़ा बहुत टूरिस्ट गाइड टाइप का प्रोफेशन है, लेकिन बहुत ही सीधा साधा सच्चा इंसान है, साफ दिल, और जो उसके दिल में है वो बात चेहरे पर आ जाती है, जुबान पर आ जाती है, अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाता। हम बंगले में नहीं रहते, हम पालन खेत में रहते हैं, चलो निकालो हमारे पैसे। अरे कमाल का आदमी, टैक्सी का किराया हुआ 47.50 रुपए, हमने दिए 50 रुपए, हम अपने 2.5 रुपए मांग रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं हमसे क्या मतलब, पागल हो गई हो तुम? अरे मेहनत की कमाई है हमारी, और हम भी टैक्सी चलाते हैं, लेकिन मजा लेके आज तक हमने किसी के साथ बेमानी की हो, पाई पाई का हिसाब देते हैं हम, चलो निकाल हमारे पैसे। ये भाई, ये ले तेरा 2.5 रुपया, और बकबक बंद कर भिखारी कहीं का। It's a film about lots of love, lots of बहुत अच्छे अच्छे इंसानों के बारे में, अच्छे लोग जो हंसना चाहते हैं, जो रोना जानते हैं, जो हर चीज दिल से महसूस करना जानते हैं। I play a really lonely girl who doesn't have a mother, and she's always craving for love, and how she meets the hero Raja Hindustani, which is Amir, and how they fall in love, they marry, and they have to separate due to circumstances. So it's a role of a girl who is Oxford returned, and how she turns into a complete Indian woman. So my character has lots of shades and a lot of depth in it. Puchho zara puchho, मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुम से दिल लगाने की सजा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। I feel the highlight of the film is its innate simplicity. It's an Indian film. We are not pretending, you know, to make this great film which hopes to shake up Hollywood or Madras. पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, सुरेश's second wife, so I'm a stepmother, सौतेली माँ, लेकिन वो टिपिकल सौतेली माँ नहीं है जो बोलती है, you know, she's, वो अपने पति से इतना प्यार करती है, I love सुरेश over so much, my husband, कि मुझे jealousy होती है कि ये अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, तो एक natural जो feeling होती है ना with every woman, she wants to hold on to her man, and she feels कि ये अपने daughter से इतना प्यार करता है, तो she's constantly got this little thing, और इसका एक भाई होता है, मेरा भाई, जो प्रमोद मौथी प्ले कर रहे हैं, स्वराज, his name is in the film. वो मुझे बोलते हैं कि बहना, see all this going on, and I'm like, you know that woman, that jealousy, Delilah. इसमें मेरे से अलग ढंग से काम करवाया गया है, और वो अलग ढंग शायद लोगों को अच्छा लगे, अलग ढंग से मेरी मुराद यही है कि it's more natural, and I am of this kind of an actor that I like to work with natural instances, natural instincts kind of thing, you know, which
communicate faster than being caricature and you know do this and this kind of thing. मैं प्रमोद माउथो का बेटा कर रहा हूँ और प्रमोद इंटरेस्टेड है कि वो सुरेश ओबेरॉय की जायदाद हड़प कर ले और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ओबीडियंट सन हूँ और मैं ये क्रिमिनल्स की दुनिया में के पहले कदम ले रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में. काफ़ी उल्लू हूँ मैं. वैसे ही इज क्वाइट एन इडियट. कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं. तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिल बरजानी, तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिल बरजानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तान. Everyone has contributed so much to this film and I think it is so dear to all of us concerned, you know. It's not just a film, okay, you acted, you had a really good time and you left. It's much more than that for all of us. एक सीन है इस फिल्म में जहाँ मैं शराब पी के, पहली दफा शराब पी मैंने जिंदगी में, और शराब पी के मुझसे काफ़ी हंगामा हो जाता है. वो मेरा फेवरेट सीन है फिल्म का. मैं मर गया था इस फिल्म में. दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसिडेंट आई हैड. क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे हम लोग, तो क्लाइमेक्स में आमिर खान ने मेरा गला दबाना था और हम दोनों इतने इन्वॉल्व हो गए कि आई वॉज फेंटेड फॉर 9.5 seconds. और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अगर आधा सेकंड या एक सेकंड और रहता तो मैं शायद आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट दैट टाइम बिकॉज आई डोंट थिंक आई वॉज अप्लाइंग दैट मच प्रेशर. I might have touched him in the wrong place or something. We got quite a scare because for about 10 seconds he had passed out. And then he woke up and I'm very happy with the music. Nadeem Shravan have given me very good music. The credit is entirely theirs. क्योंकि मेरे हिसाब से राजा हिंदुस्तानी की म्यूजिक जो है वो एक बड़ी जोशी म्यूजिक है और मुझे लगता है कि इस पुरजोश म्यूजिक में पहली बार आपको नदीम शाहिन का एक नया रंग नजर आएगा. Extremely situational and have a lot of meaning. They have a lot of meaning to it. It's not just a song, you know. It's just not, the song is not there for the sake of being there. And I think my favorite song in the film is Pardesi Jana Nahi. परदेसी जाना नहीं मुझे.
मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना तुम याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन has balanced well for the mass and the class and made a wholesome family entertainer. This is a film where a father also like it, the mother also like it, the children also like it. After a long time you're seeing a film which has got so much intensity of love, the romance, you know, and I definitely the performances are a major highlight of the film. I must say this is one of the best experience I've had. No, in the end, I'm like, I won't tell you what happens in the end. Otherwise, people have to see the film. I mean, Raja Hindustani is going to be a big hit. I mean, I just say that Raja Hindustani has been a beautiful experience for me. I think not only have I grown as an actress, but I've grown as a human being as well. Good or bad, Raja Hindustani is my film. It was a pleasure doing this film. I think this will be one of my most memorable films as a person, I mean as an experience. Na hoto pe jhooti baatein, na dil mein beimani, sabse pyara mera yara Raja Hindustani.